हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लर्न। फ्रेंड्स और कैसे हो आप सब, होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आ गए हैं रट्टा मार करंट अफेयर्स की नई सीरीज, आज के करंट अफेयर अपडेट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, एज यूजुअल आप जानते हैं ढेर सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज डू वॉच द फुल वीडियो एंड प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करो ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें जिनको इससे फायदा हो। सो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। सो फ्रेंड्स, हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था एससी अलाउड एनटीसीए दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू ब्रिंग टाइगर फ्रॉम निमीबिया टू विच रिजर्व इन इंडिया। तो आपको बताना था कि कौन से रिजर्व में इंडिया के शिफ्ट किए जाएंगे, वो लिपर्ड्स। मैंने आपको करेक्ट किया था, यहाँ पे लिपर्ड्स थे ना कि टाइगर थे। तो आपके ऑप्शन थे बांदीपुर नेशनल पार्क, नौरा देही, कान्हा, सिमलीपाल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था इस ऑप्शन नंबर टू, दैट इज नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाना था उन टाइगर्स को, सॉरी उन लिपर्ड्स को। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू इंप्लीमेंट लैंड लीजिंग पॉलिसी। तो आपको बताना है कि अभी कौन से स्टेट ने पहली बार लैंड लीजिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की। तो आपके ऑप्शन थे यूपी, आसाम, उत्तराखंड, केरला। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड बन गया पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट लैंड लीजिंग पॉलिसी। सो हियर यू कैन सी उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड अ पॉलिसी टू लीज एग्रीकल्चरल लैंड इन lieu of giving land on a 30-year lease, कितने ईयर की लीज भी देंगे 30 years, the concerned farmer will get the rent for the land. So friends, हमारा अगला क्वेश्चन है, which city is most polluted city of India according to Greenpeace? तो आपको बताना है कि according to a Greenpeace report, India का सबसे polluted city कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है झरिया, धनबाद, आगरा, गुरुग्राम। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर एंड वन बोथ, गुरुग्राम एंड झरिया वेर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज। तो हियर यू कैन सी द लेटेस्ट डेटा कंपाइल इन आईक्यू एयर विजिबल 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एंड इंटरएक्टिव वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रैंकिंग। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया स्टिल हैज 15 आउट ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड विद गुरुग्राम एंड गाजियाबाद बीइंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय फरीदाबाद, भिवाड़ी एंड नोएडा एंड दिल्ली इज ऑन 11th स्पॉट। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कैपिटल ऑफ द डे। तो आपको बताना है कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। तो आपके ऑप्शन है जैग्रैब, ब्रातिस्लावा, लुबिजाना एंड फोर्थ इज त्रिस्ता। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज लुबिजाना। लुबिजाना इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। सो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कहां पे है स्लोवेनिया। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहां से हमें जाना है टुवर्ड्स वेस्ट। वी हैव टू क्रॉस ईरान, इराक, टर्की एंड वी हैव टू मूव टूवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी। तो हम जब यूरोप जाएंगे तो यूरोप के पास हमें यहाँ पे दिखेगा क्रोएशिया के बगल में, हियर इज अ कंट्री नेम स्लोवेनिया। यहाँ आप देख सकते हैं इट्स स्लोवेनिया एंड इट्स कैपिटल इज लुबिजाना। एंड इनके पड़ोसी कंट्रीज आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड नीचे इज क्रोएशिया एंड इटली। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम स्लोवेनिया के बारे में और कुछ। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्लोवेनिया अ कंट्री इन सेंट्रल यूरोप इज नोन फॉर इट्स माउंटेन्स, स्काई रिसॉर्ट्स एंड लेक्स ऑन लेक ब्लेड, अ ग्लेशियल लेक टेड बाय हॉट स्प्रिंग। द टाउन ऑफ ब्लेड कंटेन्स अ चर्च टॉप आइसलेट एंड अ क्लिफ साइड मिडिवल कैस्टल इन एंड लुबिजाना इज स्लोवेनियन कैपिटल। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तो कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड एक्सटेंडिंग द अपर एज ऑफ एबॉर्शन टू। आपको बताना कैबिनेट ने भी हाल ही में अप्रूव किया है, उन्होंने क्या किया है एक्सटेंड कर दिया है अपर एज ऑफ एबॉर्शन टू। तो आपको बताना कितने वीक तक एक्सटेंड किया, 20 वीक्स, 22 वीक्स, 24 वीक्स, 26 वीक्स।
सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 that is 24 weeks. तो पहले ये 20 वीक्स था बट अभी से कैबिनेट ने अप्रूव करके कर दिया है 24 वीक्स. तो आप ये देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड एक्सटेंडिंग द अपर लिमिट फॉर परमिटिंग एबॉर्शन फ्रॉम प्रेजेंट 20 वीक्स टू 24 वीक्स. द कैबिनेट अप्रूव द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020. तो कौन सा ये बिल है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 टू अमेंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री रिसेंटली वॉन गिनीज बुक फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फैशन शो ऑन माउंटेन्स. आपको बताना किस कंपनी को किस कंट्री को मिला है गिनीज बुक फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फैशन शो ऑन माउंटेन्स मीन्स एट अ हाइट. तो आपको बताना है कौन सी कंट्री है, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज नेपाल. फ्रेंड्स नेपाल को मिला है गिनीज बुक फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फैशन शो ऑन माउंटेन्स. तो ये यू कैन सी नेपाल हैज सेट एन ऑल न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट अल्टीट्यूड फैशन शो इवेंट एवर हेल्ड द माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे. क्या नाम था उस शो का? द माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे ऑर्गेनाइज बाई आरबी डायमंड्स एंड कासा स्टाइन इन सपोर्ट ऑफ नेपाल टूरिज्म बोर्ड वॉज हेल्ड एट 5340 meters दैट इज 17,515 feet एलिवेशन एट काला पत्थर नियर द एवरेस्ट बेस कैंप. सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है. रिसेंटली अजमल सुल्तानपुरी पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस. तो आपको बताना कि जो अजमल सुल्तानपुरी जी का भी निधन हुआ है वो क्या थे? एक फेमस डायरेक्टर, पोएट, एक्टर, जर्नलिस्ट. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज पोएट. ये थे एक फेमस पोएट एंड शायर. तो हियर यू कैन सी अजमल सुल्तानपुरी वॉज एन इंडियन पोएट इन उर्दू लैंग्वेज. ही वॉज अ नेटिव ऑफ हरकपुर इन सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट. इन 1967 ही वॉज बीटन बाई फ्यू विलेज मैन बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन. एंड इनका फ्रेंड्स बहुत ही फेमस ये पोएट होंगे, शायद आपने सुना भी होगा. मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. मेरी बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी पोएट्री थी इनकी, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और शायद आप लोगों ने भी सुना ही होगा. इसका टाइटल ही था मेरा पूरा पूरा हिंदुस्तान. सो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया. सो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है. WEF एनुअल मीटिंग रिसेंटली वॉज हेल्ड इन. तो आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी एनुअल मीटिंग जो 2020 में हुई वो कहाँ पे हेल्ड की गई थी. तो आपके ऑप्शन जेनेवा, रियो डी जेनेरो, दावोस, घाना. तो ये एक इजी क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज दावोस. फ्रेंड्स दावोस इज इन स्विट्जरलैंड, वहां पे अभी हेल्ड की गई थी एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो यहाँ आप देख सकते हैं द 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन इतना इन दावोस स्विट्जरलैंड. WEF एनुअल मीटिंग एम टू एंगेज वर्ल्ड लीडर इन कोलैबोरेटिंग एक्टिविटीज टू सेव द ग्लोबल रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज एट बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर. सो फ्रेंड्स हमारा चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे के पास. तो जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है. सो प्लीज आप कमेंट करो, पार्टिसिपेट करोगे तो हम इनकरेज होंगे, फिर हम और भी अच्छा कुछ लाएंगे आपके लिए. सो प्लीज आप इसका आंसर कमेंट करके हमें बताओ. तो आपके क्वेश्चन है मेटन कप इज रिलेटेड टू विच गेम. तो आपको बताना कि मेटन कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है. तो आपके ऑप्शन है क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शूटिंग. तो प्लीज आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स. स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर अपडेट्स के साथ. सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.